में है ये, इसके क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं, आज हम सारा इस वीडियो में बात करेंगे। मतलब हमें ये ख़रीदनी चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये खुद क्रीम यूज़ की है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका मैंने लाइक पूरी एक यूज़ की थी ये क्रीम, और आपको पता चले कि बिल्कुल एम्प्टी की है मैंने, देख लो इसमें कोई भी मैंने नहीं छोड़ा, मतलब फिंगर्स से यू कैन सी ये नहीं, और इसकी डिब्बी की हालत से भी पता चल रहा है कि मैंने यूज़ किया। अच्छा तो क्या है कि मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपका मतलब वाइटनेस का इतना राज क्या, आप इतने ज़्यादा वाइट क्यों, तो मैं आपको बताता चलूँ ये उसका राज, ये क्रीम तो कतन भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे, थोड़ी सी वीडियो देख के बोलेंगे कि अच्छा ये गोल्डन पर्ल का रिव्यू कर रहे हैं, तो शायद ये गोल्डन पर्ल ही रिव्यू करते, लेकिन मैं आज आपको गोल्डन पर्ल के कुछ हकीकत जो हकाइक है इसके वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, ये गोल्डन येलो सी मतलब कलर में आती है ये इसकी पैकेजिंग, इसके ऊपर ये गोल्डन पर्ल लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर फिंगर आप रब करेंगे तो आपको ये वाइट को उबड़ा हुआ फील होगा, उसके बाद ये ब्यूटी क्रीम लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका सारा मतलब प्राइस वगैरह लिखी हुई है 230 रुपये, अब इसकी प्राइस हो चुकी है, यहाँ पे उल्टा नज़र आ रहा होगा सारा, एक्सपायरी डेट भी इस पर मेंशन है 2021 में ये एक्सपायर होना है। जब इसको ओपन करते जाएं तो यहाँ पे गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स का सारा उनका नंबर वगैरह लिखा हुआ है ओरिजिनल का, तो इसमें फेक भी आती हैं जहाँ तक मुझे इलम है, अब मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनल है या फेक है, लेकिन सुना है कि फेक काफ़ी ज़्यादा आती है। अच्छा, इसके अंदर भी सारा ये गोल्डन पर्ल और कुछ यूँ लिखा हुआ है। उसके बाद हमें ये इसमें मतलब कुछ पेपर मिलता है जिसके ऊपर ये गोल्डन पर्ल के सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ये बैग पे सारा कुछ लिखा हुआ है, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश एज आई टोल्ड यू चाहिए कील चाहिए। अच्छा, ये क्लेम करते हैं कि चेहरे के कील छाइया झुड़िया दाग धब्बे आंखों के हल्के साफ करके रंग को गोरा करने वाली वाहिद शर्तिया क्रीम, सीरियसली ये क्लेम करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आपका रंग बहुत 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 ज़्यादा फेयर हो जाएगा, तो फेयर होता है कि नहीं वो बाद में करते हैं बात। अच्छा, इसके अंदर ये गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम है, मैंने ये जब कंप्लीट की थी तो फिर मैंने ये शुरू की थी, लेकिन मुझे बड़े अमेजिंग किस्म के रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, तो फिर मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं यूज़ करनी थी क्रीम, साइड इफ़ेक्ट थे उस मुझे वो मिलना शुरू हो गए थे। अच्छा, उसके बाद ये देख लो, ये भी फुल है और ये वैसे ही पड़ी हुई है, और ये अभी बास्केट में ही जाएगी, मैंने जस्ट रिव्यू पर्पज़ के लिए रखा हुआ था, मैं चाहता था कि मैं खुद यूज़ करूँ और फिर इसका मतलब जो टोटली ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, सबसे पहली बात, ये क्रीम गोरा हाँ करती है बहुत ज़्यादा, लाइक जिनके रंग बहुत डल होते हैं उनको भी लाइक मतलब चुड़ैल को बनाए हूड और हूड को बनाए चुड़ैल, इस क्रीम का वो हिसाब है। अच्छा, तो ये हमें एक हफ्ते में गोरा चिटा करती है, इसकी एप्लीकेशन कैसे है कि रात को सोते वक्त आपने फेस पे इसका लाइक लेप कर लेना है, हल्का हल्का मसाज नहीं करनी इसकी, जस्ट हल्का हल्का आप लगा लोगे तो 7 दिन के बाद आपको वाकई ही बहुत ज़्यादा वाजे फ़र्क नज़र आएगा, और बहुत तेज़ी से ही आपका रंग बहुत ज़्यादा वाइट करता है। लेकिन ये तो इसका था कि चलो खूबी आपका करता है वाइट बहुत जल्दी, लेकिन और एक और बात बता दी, ये मैंने जस्ट वैसे ही नाउन मारा है और ये खुल गई है, इस पर आप देख सकते हो पीछे से कितनी का क्वान्टिटी हमें मिलती है इसकी, यू गाइस कैन सी। अच्छा, तो जब मैंने इसको यूज़ किया कुछ दिन में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना शुरू हो गई, मुझे पिंपल नहीं आते लेकिन मुझे यहाँ पे ये माथे पे पिंपल वगैरह आना शुरू हो गए, यू गाइस कैन सी, मैं आपको जूम करके आज दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पिंपल आना शुरू हो गए, मेरी फेस पे बियर्ड, मैंने आप लोगों को पहले बल्कि अब मेरी वीडियो एक और आने वाली है बियर्ड ऑयल के बारे में, तो बियर्ड मेरी कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं है, तो मेरे यहाँ पे तो बाल चलो आए लेकिन मेरे यहाँ पे भी इस एरिए में भी और इस एरिए में भी बाल आना बहुत तेज़ी से बारीक बाल आना स्टार्ट हो गए, तो अगर कोई औरत यूज़ करेगी तो उसके फेस पे अगर बाल आए तो दैट्स नॉट गुड थिंग, कि किसी औरत के फेस पे बाल अच्छे नहीं लगते, लड़के हो चलो वो चलता भी है लेकिन औरत के फेस पे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, देन ये फेस को बहुत ज़्यादा मेरा इसने मतलब कुछ भी होता लाइक थोड़ा सा मुझे गर्मी इस सर्टन मतलब सर्दी थी, अगर थोड़ा सा भी हीट मिल रही होती थी मतलब रज़ाई वगैरह ली होती थी तो मेरा फेस ऐसा हो जाता था, ट्रस्ट मी ऐसा हो जाता था, तो
इन अदर वर्ड्स मैं नहीं यहाँ पे वो वर्ड बोलूँगा कि उसकी डैश जैसा लगना शुरू हो जाता था। फिर उसके बाद मेरी स्किन पे पिंपल आ गए, फिर मेरी स्किन जो स्किन की ये फेस की जो स्किन है बहुत ज़्यादा जल्द ब्रीक होगी, बहुत ज़्यादा जल्द ब्रीक होगी। या मैं ये यू गाइस कैन सी कि जब मैं ये करता हूँ मेरे माथे पे, ये देख लो कितने ज़्यादा अब ये पड़ते हैं रिंकल्स। मतलब ये कहते हैं रिंकल्स ख़त्म करते हैं, लेकिन ये रिंकल्स लेके आती है मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अब आते हैं। अगर मैं ये करूँ यू गाइस कैन सी यहाँ पे, तो इस क्रीम की वजह से मेरे मुंह का खाना खराब हुआ। मैंने लाइक एक से डेढ़ क्रीम यूज़ किया, मतलब रिव्यू पर्पज़ के लिए, चेक करने के लिए कि इसका क्या है, लेकिन अब मैंने इसको टोटली छोड़ दिया हुआ क्रीम को। यू गाइस कैन सी के मेरा अपना ही ओरिजिनल कलर अच्छा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कोई भी ऐसी क्रीम यूज़ करने की, मेरा बिल्कुल ज़बरदस्त अपना कलर है। मैंने इस क्रीम को छोड़ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि ये क्रीम आप कदर ना यूज़ करो, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। फिर इसमें मरकरी मिला हुआ है मैंने सुना है, जो कि स्किन के मतलब जल्द कैंसर वगैरह का वजह भी बनती है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ये क्रीम ऐसी क्रीम यूज़ करनी चाहिए। लंदन में इस क्रीम को बैन भी किया गया था, वो क्रीमों में ये भी क्रीम थी, तो हमें इस क्रीम को भी पाकिस्तान में बैन करवाना चाहिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली गोरे होने के लिए ऐसी लोकल क्रीम्स यूज़ मत करो। अल्लाह ने जैसा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को बहुत अच्छा बनाया, तो प्लीज़ ऐसी क्रीमें यूज़ करके अपने स्किन का बिरा गर्क मत करो। अच्छा, तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।